यहाँ पे हमारा फ्लेम थ्रोवर आइवसॉर गया और भाई साहब 3 स्टार के साथ हम लोग ये बैटल जीत चुके हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम टू रैडर प्लेस। तो गाइस, हाँ गाइस, वो टाइम आ चुका है कि हम लोग भाई जिम बैटल करें। तो इस वीडियो में हम लोग भाई नए चैप्टर में जाने वाले हैं और जैसे कि देख सकते हो हम लोग चैप्टर 17 में आ चुके हैं और आई थिंक इसका नाम है सेलाडोन सिटी। ठीक है, सेलाडोन सिटी। और भाई साहब इसके अंदर भाई जिम बैटल भी है, मतलब एक जिम भी है और उसका नाम है गाइस सेलाडोन जिम। मुझे नहीं पता इस वीडियो में हम लोग जिम बैटल कर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ फाइट करने जा रहे हैं। और जैसे कि तुम सभी को पता ही होगा, पिछली वाली वीडियो में हमने चैप्टर 16 को कम्प्लीट कर लिया था और आज हम लोग भाई चैप्टर 17 के अंदर बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट्स के साथ फाइट करने जा रहे हैं। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, पहले से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है। तो जिन भी भाइयों ने नहीं किया कर दो यार, फ्री होता है सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में हर रोज लाता रहता हूँ। फिलहाल आ चुके हैं फाइट में इस लड़की के साथ। इसका पहला पोकेमोन है बीड्रिल। तो बीड्रिल इसके पास है 3 पोकेमोन। ठीक है, एक इसका रिवील हो गया है, वो है विपिन बेल। चलो उसे मैं बहुत ही आराम से मारूंगा। बीड्रिल को सबसे पहले खत्म करते। ये बवाल बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक वाला करता है कि भाई सामने वाला खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पे बीड्रिल को बहुत ही आराम से मार दिया भाई। हो है यार, इतना छोटे से पोकेमोन को मारना तो इसका बाएं हाथ का खेल होगा। यहाँ पे गाइस विपिन बेल, यहाँ पे देखना भाई क्या कौन सा खेल खेलेगा ना भाई, मतलब मरेगा ही नहीं भाई, मरता ही नहीं है ये। प्रोटेक्ट कर लिया, ये लो भाई, अभी तो खत्म होने वाला था भाई, एक एम्बर से मैं खत्म कर देता, लेकिन ये बंदा भी यार चालाक है, इसने वैसा प्रोटेक्ट कर लिया है। तो चलो यार, यहाँ पे विपिन बेल को मार दिया। तो अब अगला लास्ट पोकेमोन बचा हुआ है, देखते कौन सा है, आइवसॉर। और सेलाडोन सिटी जो है ग्रास टाइप पोकेमोन पर मेनली बेस्ड है, मतलब जितने भी यहाँ पे ट्रेनर्स ओपोनेंट्स होंगे सभी के पास ग्रास टाइप पोकेमोन से होंगे, या तो बग टाइप या तो ग्रास टाइप। ठीक है, तो भाई साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा जीतना, क्योंकि हमारे पास है हो जो कि है फायर टाइप। भाई देखो, फायर टाइप हो आपके पास और सामने वाला बग टाइप हो या फिर लीफ टाइप हो, भाई वो तो ख़त्म, ग्रास टाइप होने से भी ख़त्म भाई, सामने वाला ख़त्म अगर आपके पास फायर टाइप हुआ तो। और भाई साहब देखा आपने, 3 स्टार के साथ जीत चुके भाई ये फाइट। तो अगली फाइट में आ चुके हैं, इसके पास भी आई थिंक ग्रास टाइप पोकेमोन होंगे, मैं गारंटी के साथ बोलूँ। हाँ भाई देखा, या तो पॉइजन टाइप, या तो बग टाइप, या तो ग्रास टाइप। पॉइजन टाइप देखो, ओनली पॉइजन टाइप पोकेमोन तो नहीं होंगे, जैसे टेंटाकूल वगैरह जो ओनली पॉइजन टाइप होते हैं, बहुत सारे पोकेमोन हैं, मैं बोल नहीं सकता। और चलो यार, यहाँ पे विक्ट्री बेल है ये, ठीक है, विपिन बेल का इवॉल्व वाला फॉर्म। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो चारिज़ार्ड ने आग लगा दी कतई, मतलब स्टेडियम में ही आग लगा दी भाई साहब, क्या फ्लेम थ्रोवर मार रहे हैं भाई। विक्ट्री बेल को ये मतलब 2 शॉट में ख़त्म किया भाई साहब, मज़ा आ गया। लाइक ठोको यार, अभी तक लाइक ठोका नहीं है वीडियो को, ठोक दो भाई, मतलब चारिज़ार्ड तो भाई भसड़ मचा रहा है। हो का भसड़ भाई पिछली वाली वीडियो में हो गया है, तो अभी तक जाके उस वाली वीडियो को नहीं देखा है हो ने जिस जहाँ पर भसड़ मचा रखी है, जाके देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो यार, यहाँ पे बटरफ्ली को फटाफट से ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं एंशियंट अटैक मार रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा डैमेज जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा गश्त ख़त्म, बटरफ्ली के पास एक हमला है, मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला, इसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक ही शॉट में किसी को ख़त्म कर सकता है, उसका नाम है बग बज। भाई साहब ये वाला हमला जो है ना भाई, बग बज, ठीक है, इससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन अगर आपके पास फायर टाइप हुआ तब भी जाके आप बचोगे, वरना भाई साहब आपके पोकेमोन को वो सामने वाला बटर भी खा जाएगा। तो चलो यार, यहाँ पे आ चुका विनसोर और विनसोर को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर मुझे पोकेमोन चेंज करना चाहिए? ओ भाई साहब, पता नहीं कौन सा हमला मार रहा है यार, और ऐसा हमला मारा इसने जिससे कि इसका हेल्थ भी कम हो गया। वाह भाई, यहाँ पे अरे भाई डबल एज अटैक मार रहा है और इसने मुझे लिटरली 100 HP का कर दिया है, लेकिन यार यहाँ पे होने लकीली विनसोर को मार दिया है। अब कैसे अगला पोकेमोन आ चुका है पिंसर, ठीक है, पिंसर 2 ही पोकेमोन थे इस ट्रेनर के पास, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया भाई, क्योंकि देखो जितना ईजी हो गया भाई, 2 ही पोकेमोन बस, एक तो गया और ये दूसरा है। तो चलो यार, पिंसर को फटाफट से ख़त्म करते हैं, और ये अपने खतरनाक नोकीले सिंगों से मुझे वार कर रहा है, लेकिन
कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब। मतलब मैं सोच रहा हूँ हो के पास कब आएगा यार फ्लेम थ्रोवर, कोई कमेंट करके बताओ यार। यहाँ पे पिंसर को भी खत्म कर दिया, ये वाला फाइट भी भाई 3 स्टार के साथ जीत चुके हैं। भले ही सामने वाला भाई साहब 52 लेवल का है, 53 लेवल का है, मतलब सामने वाले जो ट्रेनर है ना उनके ओपोनेंट्स के जो पोकेमॉन्स है भाई साहब सभी के सभी 50 लेवल के अबव है, यानी कि 51 52 53 है। और भाई साहब मेरे जो पोकेमॉन है वो 50 भी नहीं हुए, 49 के सभी के सभी। और भाई साहब मैं इतनी आराम से 3 स्टार्स कर रहा हूँ भाई, लाइक बनता है देखो यार। और चाहे जिन भी भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे फटाफट से चेंज करते हैं चारिज़ार्ड में। और भाई साहब ये गाड़ी वार तो भाई साहब इतना खतरनाक डैमेज दे रहा है क्या बताऊँ। वैसे गाड़ी वार तुम्हारे भाई ने कैच किया था आई थिंक, हमने पहले गाड़ी वार को कैच किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पक्का तो नहीं हूँ लेकिन मैं कह सकता हूँ आई थिंक कि भाई पहले हमने गाड़ी वार को कैच करा था और उसके ऊपर भाई साहब वीडियो भी आ रखी है बहुत ही पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले हमने कैच करा था गाड़ी वार को और वो मेरे स्टोरेज में आई थिंक पड़ा हुआ है अभी भी। और मुझे उसे टीम में लेना चाहिए या फिर नहीं आप कमेंट करके बताओ भाई। मुझे लगता है कि भाई लेना चाहिए, कौन से पोकेमॉन की जगह लूँ वही तो है सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरे चारिज़ार्ड को इतनी आराम से मारा, मतलब ये मेरे 2 पोकेमॉन ही आराम से खा गया, क्या बताओ यार। यहाँ पे आ चुका अब विक्ट्री बेल, ठीक है, विक्ट्री बेल की दोबारा से एंट्री हुई है, ठीक है, विक्ट्री बेल का भी भाई स्वागत करेंगे। चलो यार इसे आराम से ख़त्म करते हैं। म्यू की बारी, भाई साहब यहाँ पे तो भाई साहब ये लीफ स्टॉर्म मार रहा है लेकिन यहाँ पे लक मेरा इतना ज़्यादा बढ़िया होता है क्या बताओ यार। यार यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो हमला करता है ना भाई वो मिस कर जाता है, बीच बीच में प्रोटेक्ट करता है, चलो सही है, पहले तो मेरा हमला ही लगेगा, ये देखो मिस कर गया। अब मेरे पास है भाई साहब चांस, देखो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मेरा जो म्यू है वो पहले हमला मार रहा है, ठीक है। यहाँ पे मारेंगे साइकिक, विक्ट्री बेल यहाँ पे हो चुका है ख़त्म और 2 पोकेमॉन अभी भी बचे हुए हैं। चलो भाई यहाँ पे आ चुका है ड्यूगोंग, एक सेकेंड, ड्यूगोंग सील का ये इवोल्व वाला फॉर्म है, ड्यूगोंग इसका नाम मैंने पहली बार सुना है, उसका नाम कुछ और था या फिर यही था, मैं तो भाई पोकेमॉन की जो सीरीज़ अभी जो नई चल रही है ना भाई पोकेमॉन जर्नीज वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा, ना मुझे वो पसंद है। पोकेमॉन एक्स एंड वाई तक मैंने सारा कुछ देख रखा है और सब कुछ मुझे पता है, लेजेंडरी से लेके सब कुछ कॉमन पोकेमॉन। तो चलो यार यहाँ पे ड्यूगोंग, अरे ड्यूगोंग के बच्चे मुझे जमा कर मार दिया। अब यहाँ पे भाई इसने मेरे म्यू को तो भाई साहब ऐसा मारा कि भाई मेरा म्यू तो बर्फ़ में ही जम गया। चलो अब पिकाचू की बारी है, आई होप कि यहाँ पे पिकाचू मार पाएगा इसे, भाई वाटर टाइप है बहुत ही आराम से मारूंगा इसे तो। अरे भाई साहब इसने तो रेस्ट हमला कर दिया और रेस्ट से क्या हुआ इसकी फुल हेल्थ मतलब सारी की सारी एचपी रिकवर हो गई, लेकिन यार रेस्ट से क्या होता है कि भाई वो जो पोकेमॉन होता है आपका वो भाई साहब 3 राउंड्स के लिए सो जाता है, तो भाई अपन के तो मज़े ही मज़े हैं, आराम से मारेंगे। और भाई साहब इसने ना एक्वारिंग भी कर दिया जिससे कि इसका हेल्थ बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन नो टेंशन गाइस इसे बहुत ही आराम से मारने जा रहे हैं। वो भाई साहब ये तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही देता भाई साहब, पता नहीं कैसे करके मैं बच गया वरना अभी मैं ख़त्म हो जाता भाई, मतलब मेरा पिकाचू ख़त्म हो जाता। चलो यार यहाँ पे नीडोरिनो आ चुका है, ये आखिरी पोकेमोन है सामने वाले का। चलो यार यहाँ पे ओ भाई साहब इसने तो पॉइजन से मेरे पिकाचू को ख़त्म कर दिया, अब मेरे पास 3 पोकेमॉन बचे हुए। चलो यार फटाफट से स्विच करते हैं, यहाँ पे होने वाला है हो वर्सेस नीडोरिनो, ठीक है। तो यहाँ पे मारेंगे एम्बर, मुझे नहीं पता ज़्यादा डैमेज नहीं जा रहा है वरना यार हर बार देखो हो बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है लेकिन इस बार नहीं दे पा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, जो भी हो कुछ भी करके हमारा जो टारगेट है भले ही वो आराम से मारे हम या फिर बहुत ही फास्ट एक ही शॉट में हमें मारना है, ठीक है। और भाई साहब ये फाइट भी हम लोग जीत चुके हैं, पुलिस आंटी जी को हमने हरा दिया है। और भाई साहब 2-3 अपोनेंट्स के साथ फाइट करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे एकदम इन फ्रंट ऑफ जिम लीडर, ठीक है। भाई साहब जो जिम लीडर है उसका नाम है एरिका और एरिका के साथ हम लोग अगली वीडियो में फाइट करने जा रहे हैं और भाई साहब सेलोडन जिम बैटल को भाई साहब मतलब जिम को हराने जा रहे हैं, सेलोडन सिटी के जिम लीडर को हराने जा रहे हैं और भाई साहब सेलोडन जिम का बैज भी जीतने जा रहे हैं। तो भाई साहब अगली वीडियो चाहते हो जल्दी से जल्दी आ जाए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर दो। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।